सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो वन शॉट सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ द चैप्टर कॉल्ड रोटेशनल डायनामिक्स। तो पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था अबाउट सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे। अब यहाँ पर पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन और साथ ही साथ में हम लास्ट में देखने वाले हैं रोलिंग मोशन। अब देखो, रोटेशनल मोशन में सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, और इसके बाद फिर हम जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवरअप करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज़ इनर्शिया। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इनर्शिया किसे कहते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द लीनियर चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? बेसिकली इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द लीनियर चेंज। अगर कोई बॉडी सीधा चलने से मना करे तो उस अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यूटन का पहला लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी मान लो रेस्ट पर रखी हुई है तो बॉडी चाहेगी कि वो रेस्ट पर ही रहे, राइट? और अगर बॉडी एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि उसी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करती रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसके पोजिशन में चेंज करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो मैं एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करूंगा, यानी कि उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? यानी जो इनर्शिया है किसी बॉडी का वो किस पर डिपेंड करता है? उस बॉडी के मास पर। जैसे कि अगर मैं यही मान लूँ कि मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है और ये मान लो कि 50 kg का ब्लॉक है, राइट? दोनों फिलहाल मान लो कि रेस्ट कंडीशन पे रखे हुए हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या दोनों में सेम अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा नो। जो हल्की बॉडी है उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और जो भारी बॉडी है उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही क्या है? टू रेजिस्ट द लीनियर चेंज। तो ये बॉडी सीधा चलने से मना कर रही है, यानी कि ये क्या कर रही है? अपोज कर रही है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अपोज को ओवरकम करूँ तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो जो भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा वो बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द एंगुलर चेंज इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे कि हमने देखा इनर्शिया में क्या होता है? टू रेजिस्ट द लीनियर चेंज। तो अगर कोई बॉडी सीधा चलने से अपोज करे तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। और अगर कोई बॉडी घूमने से अपोज करे तो उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इस चैप्टर रोटेशनल मोशन में हम सारी चीज़ें रोटेटिंग बॉडी से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी बॉडी को रोटेट करना चाहेंगे तो खुद से रोटेट नहीं होगा, राइट? और हम देखेंगे कि बॉडी जितनी हैवी होगी रोटेट करने के लिए हमें उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वो अपोज करेगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो देखो, अपोजिंग फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ में स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आप मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक डोर है जो इस एक्सिस के अबाउट क्या है, फिट है, जो रोटेट कर सकता है लाइक दिस, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखते हो कि इस डोर का लेट से मास कितना है, मैं बोलता हूँ एम है, ठीक है? और यहाँ से फिर इस पॉइंट पर एक हैंडल लगा हुआ होता है, राइट? तो आप देखते हो कि हैंडल जितना दूर होगा इस डोर को ओपन करने में, क्लोज करने में हमें उतनी आसानी होगी। लेकिन अगर हैंडल इसका जितना पास होते जाएगा एक्सिस के, तो हम ये देखेंगे कि उसको रोटेट करने के लिए, उसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या समझ में आया कि जैसे जैसे आर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आर, तो जैसे जैसे आर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स या कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो रोटेट करने पर उसका इनर्शिया जो है वो मास के साथ साथ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, वही चीज़ है, जब हैंडल दूर लगा था तब मैं आसानी से उसे ओपन कर पा रहा था, जब हैंडल पास में लगा है तो मैं इसे आसानी से ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसी तरीके से उसका इनर्शिया भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों बातें याद रखना है कि अगर कोई बॉडी सीधा चलने से अपोज करे तो इनर्शिया कहते हैं, और अगर कोई बॉडी घूमने से अपोज करे तो उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं।
अब देखो ये जो डेफिनेशन हमने अभी देखी थी इट वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पूछता है तो आपको ये डेफिनेशन देना है, दैट इज इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि बेसिकली यही है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन है? मास ऑफ द बॉडी का एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। बेसिकली ये जो फॉर्मूला हम गेन करते हैं वो कैसे गेन करते हैं, इसका कोई डेरिवेशन तो हमें यहाँ पे करके नहीं बताना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ठीक है। अब आप देखोगे इस बॉडी के अंदर का जो टोटल मास है वो क्या है? एम है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग होगा। लेट से ये एक्सिस का सेंटर पॉइंट है और यहाँ से एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम वन। वहीं यहाँ से एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम टू। और यहाँ से एक तीसरा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम थ्री। ऐसे करके यहाँ से एक बहुत सारे पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम एन। और सबका डिस्टेंस भी अलग अलग हुआ गया एक्सिस से। लेट से इसका आर वन डिस्टेंस है, इसका आर टू डिस्टेंस है, इसका आर थ्री डिस्टेंस है और इसका आर एन डिस्टेंस है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सारे मास का एडिशन कर दूंगा तो मुझे कैपिटल एम मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से सारे स्मॉल आर को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ पर कैपिटल आर मिलेगा। तो इसीलिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पहले तो ऐसे हम लिखते हैं, दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, और किसका समेशन करना है? एम आई आर आई का स्क्वायर। और फिर जब मैं इसी को समेशन करता हूँ तो देखो छोटे छोटे मास को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर? कैपिटल एम। एंड स्मॉल आर का स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमें मिलता है। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओनली वी नीड द फॉर्मूला, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमें आगे पूरे जगह पर यूज़ करना है। तो वहीं पर अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूँ तो देखो इसका SI यूनिट क्या होगा? तो याद रखना है SI यूनिट ऑफ आई इज केजी मीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। बिकॉज मास का क्या होता है? केजी। और आर का क्या होता है? मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन में सबसे पहले हमें लिखना है एल एम टी, और आप देखोगे कितना केजी है? वन। तो यहाँ पर वन आ जाएगा, मीटर में टू आ जाएगा और टाइम की जगह पर जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया, ठीक है। और याद रखना है दिस इज़ द यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टॉपिक, दैट इज़ रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो क्या होता है ये, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एट अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखो इस चीज़ को हम एकदम आसानी से समझते हैं। मान लो कि मेरे पास ये कोई एक बहुत पतला सा पेपर लाइक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो, ठीक है, जो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स से दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। अब क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट से मैंने क्या बोला यहाँ पर? आर स्क्वायर बोला, और इसका टोटल मास क्या है? एम, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब आप इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, इस पेपर को किसी तरीके से फोल्ड करके श्रिंक कर दिया, और श्रिंक करने के बाद इस पूरे पेपर का, तो जैसे मैं श्रिंक करके इसे एक पॉइंट मास बना देता हूँ, और पॉइंट मास जैसे बनाऊँगा तो बेसिकली ये इस तरीके से मान लो कि पूरा पॉइंट मास बन गया, ठीक है। क्या बन गया? पॉइंट मास। यानी पहले आप देखोगे कि मास पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट, पहले मास पूरा क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको फोल्ड करके या इसको श्रिंक करके एक पॉइंट मास इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो अब मास तो अभी भी इसके पास m ही है, क्योंकि मास में तो कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है जो हम यहाँ से सेंटर से ले रहे थे, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अब इस डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट करूँगा? k से। और इसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी आपको याद ये रखना है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो देखो अगेन आर इज अ डिस्टेंस, के इज अ डिस्टेंस, लेकिन आर कब हम यूज कर रहे हैं? जब बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और के हम कब यूज कर रहे हैं? जब बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यह फॉर्मूला याद रखना है।
तरीके से ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ पर जो के है बेसिकली वो रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो यहाँ से के स्क्वायर का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ आई अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगर मैं के निकालना चाहूँ तो के को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ रूट ऑफ, के को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ आई अपॉन एम। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला मिल गया। ओके, बस एक चीज़ का याद रखना है कि इनको अप्लाई कब करना है। जैसे कि मैंने बोला बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैपिटल आर डिस्टेंस लेना है, किसी एक पॉइंट पर कॉन्सनट्रेटेड है तो के लेना है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसका एस आई यूनिट क्या आएगा, एस आई यूनिट ऑफ के इज रेडियस है तो बेसिकली यूनिट हो मीटर होगा, और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो इट विल बी एल वन एम ज़ीरो एंड टी ज़ीरो। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन समझ में आया होगा, क्योंकि अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। हमें पता है कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पर डिराइव करना है। ठीक है, तो चलो डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, तो डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूँ, और जब मैं इसको डेरिवेशन को डिराइव करूँ तो साथ ही साथ आप इसे नोट डाउन भी कर लें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये सबसे इजी मेथड से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी समझ जाएगा तो इससे रिलेटेड आगे के दो और डेरिवेशन है, दैट इज़ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो ये दोनों डेरिवेशन भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो सिर्फ वहाँ पर फॉर्मूला चेंज होंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो अगर आपने ये वाला डेरिवेशन समझ लिया तो दोनों डेरिवेशन वो भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक रिजिड बॉडी लेना है, तो यहाँ पर मैं एक रिजिड बॉडी बना लेता हूँ। अच्छा, रिजिड बॉडी का कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है, तो आप इस रिजिड बॉडी को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एक्सिस लेना है, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी जो है वो ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये जो रिजिड बॉडी है इसका मान लेते हैं कि टोटल मास क्या है, कैपिटल एम, और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओमेगा वेलोसिटी मतलब क्या हो गई, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसके पास एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी, वही यहाँ पर ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मान लेते हैं कि ये पार्ट है सेंटर, और इसको नाम दे देते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, अब इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है मान लेते हैं m1, और m1 मास का कोई पार्टिकल है जो कि r1 डिस्टेंस पर है, और ये मूव कर रहा है मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि देखो पूरी बॉडी जो है वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, लेकिन बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वो r1 डिस्टेंस पर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास मान लेते हैं क्या है, m2, और ये मान लेते हैं कि r2 डिस्टेंस पर है, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट इट बी मान लेते हैं कि ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसे करके आपको पता है कि इस बॉडी में कितने पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल है, और उसका मास यहाँ पर ले लेते हैं एम एन, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर एन, और ये जो मूव कर रहा है तो ये मान लेते हैं वी एन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि ये टोटल बॉडी जो है इसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं, इसका टोटल मास m है, और इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं तो किसी का मास m1 है, किसी का मास m2 है, किसी का मास m3 है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई पार्टिकल r1 डिस्टेंस पर है, कोई r2 डिस्टेंस पर है, और कोई rn डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि सबकी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, कोई v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कोई vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कंसिडरेशन, तो यहाँ पर हमें लिखना है कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास
एम रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड moving with constant angular velocity. तो आपको पहले इतना consider बताना है कि एक rigid body है जिसका mass क्या है capital M, it is rotating about an axis which is passing through point O and perpendicular to the plane of paper and also it is moving with constant angular velocity. तो ये consideration आपको आने वाले तीनों derivation में रखना है, ठीक है. उसके बाद अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट पे हमें लिखना है लेट एम वन कॉमा एम टू डॉट 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 एम एन बी द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल्स है ना, क्योंकि हर एक पार्टिकल का मास ले लेते हैं. बी द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल्स सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस विच इज आर वन कॉमा आर टू डॉट 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 आर एन. तो ये दो पॉइंट आपको कंसिडरेशन में लिखना है. तो देखो अब अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा. अगर मुझे हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो उसको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल्स, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल्स. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल्स के लिए देखो सबसे पहली जो पार्टिकल है मान लेते हैं उसकी, अच्छा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो अगर पहले पार्टिकल की मैं काइनेटिक एनर्जी लूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, ई वन, ये हो जाएगा एम वन और ये क्या हो जाएगा, वी वन. अब यहाँ पर देखो एज हमें पता है कि वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी को लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो मैं क्या करता हूँ, इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ जहाँ पर v1 है. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, e1 इज इक्वल टू हाफ m1, और सिंस ये v1 का स्क्वायर है तो ये v की वैल्यू का क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट. तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गई पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी E2 इज इक्वल टू हाफ एम टू आर टू का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर. अच्छा ओमेगा में वन टू हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ओमेगा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट. ऐसे करके हम हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालते हुए आएंगे तो लास्ट में हमें जो nth पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगी, हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो देखो इस तरीके से हमने हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली. अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे ये पता करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अब हमारा अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी कैसे निकालेंगे हम, E इज इक्वल टू इन सब काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर देते हैं, E1 प्लस E2 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक प्लस करना है, EN तक. अब देखो इन सब की काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या मिली थी, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम टू आर टू का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसे प्लस प्लस करना है और ये कहाँ तक जाएगा, हाफ एम एन आर एन स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो है, उसमें हमें ये करना है कि इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन आर एन का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये n नंबर्स तक टर्म्स हैं तो इन्हें ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी E विल बी इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और इसको समेशन करते हैं। तो समेशन करने का तरीका क्या है, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई आर आई का स्क्वायर, यह समेशन करने का तरीका। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है, वेयर ये जो हमने समेशन किया, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक, एम आई आर आई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है ना इसे हम लिख सकते हैं I। I का यहाँ पर मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, I को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द एंगुलर चेंज इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये जो समेशन वाली वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, I। सो इसको मैं फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी जो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है उसका इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर करोगे तो देखो हाफ यहाँ भी है हाफ यहाँ भी है। यहाँ पर हमें पता है जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो V वेलोसिटी से मूव करेगी, और जब कोई बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगी। अब यहाँ पर M है और यहाँ पर I है, M का मतलब होता है इनर्शिया और I को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसके इनर्शिया जो है मास के ऊपर डिपेंड करता है, और जब कोई बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसका इनर्शिया आई के ऊपर डिपेंड करता है। और आई का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई क्या होता है, आई को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है डेरिवेशन, तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ इसमें हमें करना क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी में सबसे पहले हमें एक रिजिड बॉडी लेना है जिसका मास टोटल एम है, ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके बाद हमें कंसिडरेशन के कुछ पॉइंट्स बताने हैं। देन सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी का निकालूँ काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने पहले E1 की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, E2 निकाल लिया, इस तरीके से मुझे n नंबर्स तक की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना था, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जो कॉमन था उसे हमने बाहर निकाल लिया। कॉमन बाहर निकालने के बाद जो बचा उसको हमने समेशन कर दिया, और ये जो समेशन की वैल्यू है ये किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू आई, और इस आई को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज़ रिलेटेड टू टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, जिसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, टी इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमें पता है कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो उस बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी को बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टॉर्क। तो जो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, टी इज इक्वल टू आई अल्फा। ये बेसिकली टी नहीं, इसे हम टाउ कहते हैं, टाउ, एंड आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा को हम यहाँ पर बोल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलो इस डेरिवेशन को हम डिराइव करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले डेरिवेशन में, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी में आपको बताया था कि जो पैटर्न हम वहाँ पर फॉलो करेंगे सेम पैटर्न हम इस डेरिवेशन में भी फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक रिजिड बॉडी बनानी होगी।
तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, रिजिड बॉडी है। अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस रिजिड बॉडी का कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है, तो आप इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ये रिजिड बॉडी में मान लेते हैं ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और यहाँ पर ये जो रोटेट कर रही है, मान लेते हैं विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रोटेट कर रही है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या बातें ध्यान देनी है। अब हमें पता है कि मान लेते हैं ये जो पॉइंट ओ है, सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं। अब ये जो बॉडी है इसका टोटल मास क्या होगा, कैपिटल एम। लेकिन इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग होगा और हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई पार्टिकल है जो बेसिकली यहाँ पर है, इसका मास है लेट इट बी एम वन और इसका डिस्टेंस है आर वन। उसी तरीके से मान लेता हूँ कि एक दूसरा पार्टिकल है और ये पार्टिकल का जो मास है लेट इट बी एम टू और ये कितने डिस्टेंस पर है, आर टू डिस्टेंस पर है। उसी तरीके से इस रिजिड बॉडी में एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये हमें पता है। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है जिसका मास है एम एन जो कि आर एन डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ करना होगा जो आपको याद रखना है। रिलेशन हमें बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स एंड इट इज़ गिवन बाय टी इज़ इक्वल टू आर इनटू एफ। ये बहुत काम का रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि एम वन पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, एफ वन। एम टू पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है मान लो एफ टू। और एम थ्री पार्टिकल यानी एम एन पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, एफ एन। आप इसे वेक्टर फॉर्म से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक रिजिड बॉडी बना ली और इस रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स थे उनका मास लिख लिया, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने डिस्टेंस लिख लिया आर टू आर वन एंड टिल आर एन। उसके बाद उस हर एक पार्टिकल में लगने वाले फोर्स को भी हमने लिख लिया। और आपको याद रखना है कि यह बॉडी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना क्या है, कंसिडरेशन पॉइंट। तो वापस से कंसिडरेशन पॉइंट वही रखना है हमने जो हमने पिछले डेरिवेशन में लिखा था। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, तो पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वहाँ पर आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी में हमने क्या लिखा था, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर खाली बस क्या ऐड करना है, कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया। अच्छा, ये जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूँ आप सेम पैटर्न में सेम तरीके से नोट डाउन करना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, लेट एम वन कॉमा एम टू डॉट 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 एम एन बी द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल्स, मासेस ऑफ ईच पार्टिकल्स सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, आर वन आर टू कहाँ तक है, आर एन तक है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें दो बता देने हैं। अब वापस से देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करूँ तो मुझे सबसे पहले पता करना होगा कि इन हर एक पार्टिकल में कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अगर मुझे हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क मिल जाए तो फिर मैं उनको ऐड कर दूंगा तो पूरे बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच
पार्टिकल्स। तो देखो अब यहाँ पर हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू एफ। इसमें बेसिकली हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। अब अगर मैं पहले पार्टिकल का टॉर्क निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे लिखूँगा टी वन आर वन एफ वन। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मुझे पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड ये भी आपको एक बात याद रखना है कि ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा। इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पूरे चैप्टर में कुछ रिलेशंस हैं और ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है वी इज इक्वल टू, जैसे वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा रिलेशन है दैट इज़ टी इज इक्वल टू आर एफ, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। उसी तरीके से तीसरा रिलेशन हमने देखा ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरीके से जब हम मोमेंटम पढ़ेंगे तो एल इज इक्वल टू आर पी होता है, इसे कहते हैं हम रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो इस तरीके से आपको कुछ रिलेशन भी याद रखने हैं जो आगे हमें न्यूमेरिकल्स में इवन डेरिवेशन में काम आएंगे, ठीक है। तो अब वापस से हम इस डेरिवेशन पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टी का वैल्यू क्या है आर एफ, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है आर अल्फा। तो अब ध्यान से देखना इस स्टेप को मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर टी वन इज इक्वल टू आर वन को आर वन में लिखता हूँ, अच्छा एफ वन की जगह पर मैं क्या लिखूँगा एम वन इंटू ए वन, क्या लिखूँगा एम वन इंटू ए वन। सो देयरफॉर सिंस मुझे पता है कि ए वन को क्या लिखा जा सकता है आर वन अल्फ़ा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर वन अल्फ़ा। अल्फ़ा में वन नहीं लिखना है बिकॉज अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट है। सो अब मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल विल बी एम वन आर वन स्क्वायर अल्फ़ा। तो मुझे फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क मिल गया। अब सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली टी टू की वैल्यू आप बताओ क्या होगा, टी टू हो जाएगा एम टू आर टू स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरीके से हम हर एक पार्टिकल का अब टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टी एन मान लो एन पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क हो जाएगा एम एन आर एन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हर एक बॉडी पे लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना है तो पूरे बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी क्या होगा देखो, सो यानी टोटल टॉर्क, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है टी एन तक। अब ये सब की वैल्यू है, चलो सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो टॉर्क टी इज इक्वल टू टी वन की वैल्यू क्या निकाली थी याद है, एम वन आर वन स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखो क्या निकाला है, एम वन आर वन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, एम टू आर टू स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस ऐसे करते हुए आएंगे और कहाँ तक आना है एन नंबर्स तक, तो ये क्या हो जाएगा एम एन आर एन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने एन नंबर्स तक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर टॉर्क टी इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा कॉमन है बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा बताओ, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस 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 करेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे एम एन आर एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, सिंस ये एन नंबर्स तक का एडिशन है तो हम इसे क्या कर लेते हैं समेशन। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फ़ा, और यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे समेशन कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, किसका समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर। तो ये हमने समेशन का स्टेप दिखा दिया। अब आपको यहाँ पर बताना है वेयर समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक एम आई आर आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं आई के बराबर, और इस आई को हम क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो इस तरीके से मुझे मिल गया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, जिसका हमें आंसर मिलता है टी इज इक्वल टू आई अल्फ़ा।
सो नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. सो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है दैट इज L इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो यहाँ पर L बेसिकली क्या है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. I का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी का यूज़ करना होगा, और फिर उसके हेल्प से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे. तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पहले करना है, उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी करना है, फिर आप इस वाले डेरिवेशन को सॉल्व करो. तो चलो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. तो सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी बना लेते हैं. तो रिजिड बॉडी मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, वो ये है कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स बेसिकली मान लेते हैं कि ये अगर मैं सेंटर पॉइंट O ले लेता हूँ, तो ये जो पार्टिकल है ये मान लेते हैं कि m1 पार्टिकल है, जो बेसिकली r1 डिस्टेंस पर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन O, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, और ये बेसिकली r2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन O. ऐसे करके यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो मान लेते हैं कि ये कोई n नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसका मास है mn, जो कि rn डिस्टेंस पर है. अब यहाँ पर सिंस हम एंगुलर मोमेंटम को डिराइव करना है, तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रिलेशन यूज़ करना है, L इज इक्वल टू आर पी. जैसे कि हमने देखा तीनों डेरिवेशन में, जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिराइव करोगे तो वहाँ पर रिलेशन यूज़ करना है V इज इक्वल टू आर ओमेगा. जब आप टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी डिराइव करोगे तो आपको रिलेशन यूज़ करना है T इज इक्वल टू आर एफ. और जब आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी को डिराइव करोगे तो आपको रिलेशन यूज़ करना है L इज इक्वल टू आर पी. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल m1 है, वो मान लेते हैं कि इसका इनिशियल मोमेंटम है p1, पार्टिकल जो m2 है इसका मोमेंटम है p2, और जो पार्टिकल mn है इसका मोमेंटम है pn. ठीक है, तो इस तरीके से हमने हर एक पार्टिकल का क्या लिख लिया, मासेस लिख लिया पार्टिकल के, उनके डिस्टेंस लिख लिया फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उनका लीनियर मोमेंटम भी लिख लिया. तो ये होने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या बताना है, कंसिडरेशन पॉइंट्स बताने हैं. तो कंसिडरेशन पॉइंट में देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसिडरेशन पॉइंट में हमें लिखना है, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, क्योंकि इस पूरे बॉडी का मास क्या होगा, कैपिटल m. कंसिडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड मूविंग विथ या रोटेटिंग विथ बोल सकते हैं, मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसिडरेशन पॉइंट हो गया. ऑलमोस्ट हमने सारे डेरिवेशन में ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या लिख, लेट एम वन कॉमा एम टू डॉट 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 एम एन बी द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल्स, मासेस ऑफ ईच पार्टिकल्स सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर वन कॉमा आर टू डॉट 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 आर एन. ठीक है, तो ये हमने कंसिडरेशन पॉइंट यहाँ पर बता दिया. अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, अब वापस से वही कहानी है कि अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, यानी हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, और अगर मुझे हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा तो उसे ऐड कर देंगे तो हमें पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा. तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
therefore angular momentum of each particles, angular momentum of each particles. तो हम हर एक particles का पहले angular momentum निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करना है देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर पी. जैसे कि मैंने बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम. तो पहले पार्टिकल के लिए लिख लेंगे एल वन आर वन पी वन. अब यहाँ पर एक रिलेशन और यूज़ करना है, यानी फॉर्मूला यूज़ करना है. एज हमें पता है कि मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है. एंड मुझे ये भी पता है कि वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा. बस यही दोनों कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो देयर फॉर मैं इसको लिखता हूँ L1 वन इज इक्वल टू आर वन को आर वन रहने देता हूँ, और P1 की जगह पर क्या आ जाएगा, M1 V1. और मुझे पता है V की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा. तो देयर फॉर ये क्या आ जाएगा, L1 वन इज इक्वल टू आर वन एम वन, और V की जगह पर क्या लिखूँगा, आर वन ओमेगा, ठीक है. नेक्स्ट, अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा. ये हमें क्या मिल गया, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया. सिमिलरली हमें पता है, सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L2 जो है वो हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा. ऐसे करके हम नीचे आएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ln इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है. तो इस तरीके से हमने हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया. अब हम निकालते हैं देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऐड करना है L इज इक्वल टू L1 वन प्लस एल टू प्लस डॉट 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 एल एन, ठीक है. चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं, L इज इक्वल टू L1 क्या मिला है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस प्लस यानी डॉट 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 प्लस MN RN स्क्वायर ओमेगा, ठीक है. यानी यहाँ तक हमने इसको क्या कर दिया, ऐड लिख लिया. इसके बाद अब हमें सम नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, जो इसमें इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसमें कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते. तो क्या कॉमन है भाई, ओमेगा कॉमन है, और बाकी सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं. क्या बचा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, राइट, प्लस 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 एम एन आर एन स्क्वायर, ठीक है. अब इसके बाद हमें पता है हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है. सिंस ये एन नंबर्स तक है, तो इसका हम करेंगे समेशन. समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक एम आई आर आई स्क्वायर. इसकी वैल्यू हम आगे देखते हैं क्या होगी. इसकी वैल्यू को देखो, हम क्या लिख सकते हैं, वेयर हमें पता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस इक्वेशन को पिछले दो डेरिवेशन में यूज़ किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई. और इस आई को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो देयर फॉर फाइनली एल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आई. अगर इसी को मैं अरेंज कर दूं तो लिख सकता हूं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. ये हमें क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला, ठीक है. तो देखो बहुत सिंपल है यार, मैंने तीनों डेरिवेशन जो आपको बताए हैं, इन तीनों डेरिवेशन में आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है. और एग्ज़ाम में ये सीधा तीन से चार मार्क्स के लिए आते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट पूरा सेम है, डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम है. खाली बस कुछ फॉर्मूलेस को आपको इंटरचेंज करना है, और इस तरीके से आप तीनों डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हो. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एल बार इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्वड होता है. यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली हम L से डिनोट करते हैं, और हमें ये प्रूफ करना है दैट L बार इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट.
तो इसके लिए हमें समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है। अगर हम ये जान लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड होता है। तो चलो इसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ आ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और यू कैन से रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो यहाँ पर आपको जो सबसे मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि अगर किसी बॉडी का रिजल्टेंट टॉर्क अगर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या कहलाता है। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, यानी बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, मैंने शुरू में आपको एक बताया था रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड इट इज़ गिवन बाय एल इज इक्वल टू आर पी। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ, एल बार इज इक्वल टू आर बार इंटू पी बार। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, वी कैन राइट dl by dt, dl by dt इज इक्वल टू d by dt, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r बार इंटू पी बार। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ u बार इंटू v बार, और डेरिवेटिव ऑफ u बार इंटू v बार का यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर मैं इसे लिख लेता हूँ, dl by dt इज इक्वल टू, बेसिकली जब इसे अप्लाई करेंगे तो कैसा अप्लाई होगा, ये r बार आ जाएगा, r बार इंटू इसे क्या लिखेंगे, dp by dt प्लस ये क्या हो जाएगा, p बार, और ये हो जाएगा dr by dt। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ u बार इंटू v बार का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को मेंशन करना है। एज हमें पता है कि dp by dt का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, dp by dt का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स। तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, dp by dt की जगह पर फोर्स रख देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड सेकंड केस यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, dr by dt। तो dr by dt को मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, अबव वाले इक्वेशन में पुट अप कर देना है। सो देयरफॉर ये क्या लिख सकता हूँ मैं, dl by dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r बार, अच्छा dp by dt की जगह पर सीधा मैं क्या रख देता हूँ, f प्लस p बार को p बार रहने देते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम v बार dr by dt की जगह पर क्या पुट अप कर सकते हैं, v पुट अप कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, v बार। अब यहाँ पर आपको एक बात खाली याद रखना है, एज हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो p दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, dl by dt
इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार प्लस पी की वैल्यू क्या हमने बोला, पी की वैल्यू एम इंटू वी, तो मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ एम वी बार इंटू वी बार। ठीक है, ऐसे मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है वी बार इंटू वी बार? अगर आपको याद होगा 11th में स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आई बार आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू क्या होती थी, जीरो, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू जीरो होती है, तो ठीक उसी तरीके से वी बार इंटू वी बार क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर हम इसको इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आप लिखोगे वी इंटू वी साइन थीटा, और हमें पता है सिंस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो साइन जीरो इज जीरो, तो अल्टीमेटली पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर वापस से देखो, अब हमें क्या मिल गया इक्वेशन, अब हमें जो इक्वेशन मिला है दैट इज आर बार इंटू एफ बार। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, सिंस हमें यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ करना है, सिंस हमें पता है कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ, टाउ क्या होता है, आर इंटू एफ, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो देयरफॉर मैं इसको लिख लेता हूँ डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एफ की जगह पर मैं सीधा क्या पुट अप कर देता हूँ, टॉर्क। ठीक है, अब आपको वापस से देखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता था, प्रिंसिपल हमारा क्या कहता था कि किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो तभी कंजर्व्ड होगा व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो मैं मान लेता हूँ कि जो लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क है वो क्या है, जीरो है। सो सिंस द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी is zero, therefore हम ये बोल सकते हैं कि dl by dt is equal to zero। अगर dl by dt की वैल्यू जीरो आ गई तो अब आप बोल सकते हो कि dl by dt is equal to constant। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वापस से आप एक बार डेरिवेशन को ध्यान से देख लो, इसमें करना क्या है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये डेरिवेशन। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है कि उसका प्रिंसिपल हमें कहता क्या है। तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो तभी कंजर्व्ड होगा व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ओके, देन इसके लिए हमने क्या किया, हमने एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन यूज़ किया, एंड बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी हैव रिलेशन एल बार इज इक्वल टू आर बार इंटू पी बार। इसको हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन में आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, बेसिकली यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू बार इनटू वी बार, जिसका आंसर हमें मिलता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट डेरिवेटिव ऑफ यू बार इनटू वी बार का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो जो डी पी बाई डी टी है ना, डी पी बाई डी टी की वैल्यू को हमने किसके बराबर बना दिया, फोर्स के बराबर, और जो डी आर बाई डी टी है इसकी वैल्यू क्या हो गई, वेलोसिटी के इक्वल। क्योंकि डी पी बाई डी टी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड डी आर बाई डी टी का मतलब आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, वेलोसिटी। इन इक्वेशंस को यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट अप कर देना है। जैसे हमने पुट अप किया तो हमें ये इक्वेशन क्या मिल गया, आर इंटू एफ बार इजी प्लस पी बार इंटू वी बार। अब हमें पता है कि पी जो है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एम पी की जगह पर एम इंटू वी को रख दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी यहाँ पर वी पहले से है और एक वी ये है, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वी बार इंटू वी बार आ जाएगा। अच्छा, वी बार इंटू वी बार, याद रखो आप वी बार इंटू वी बार अगर आप करोगे भी तो आपको आंसर आएगा वी स्क्वायर साइन थीटा, और सिंस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो साइन पैरेलल होने का मतलब थीटा की एंगल जीरो होगी, तो यहाँ पर हम जीरो अगर रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से ये वाला पूरा टर्म क्या हो चुका है, जीरो। तो बचा क्या फिर, आर बार इंटू एफ बार। अब आर बार इंटू एफ बार क्या होता है, बेसिकली इट इसको टॉर्क कहते हैं, और हमने देख लिया है बाई प्रिंसिपल में कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा, और इस तरीके से हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को प्रूफ करना है।
सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यहाँ पर हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि जो डिस्क है हमारा वो यूनिफॉर्म है और उसका एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाइंड आउट करना है और ये बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक डिस्क बनाना होगा। डिस्क नॉर्मली आपको पता है, अगर आपने सीडी ड्राइव देखी होगी तो सीडी ड्राइव जो बेसिकली एक डिस्क का शेप होता है, या आपने नॉर्मल प्लेट ले लोगे तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क शेप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डिस्क बना लेते हैं। तो आप इमेजिन करो कि ये हमारे पास क्या है, कोई डिस्क है, ठीक है, और ये बेसिकली ये जो डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है डिस्क। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस डिस्क का जो रेडियस है लेट इट बी कैपिटल आर और इसका जो मास है लेट इट बी कैपिटल एम। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है और ये मैं बताना है कि क्या ये डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है क्या। मतलब अगर मैं मान लूँ कि कोई ऐसा शेप का डिस्क है लेट इट बी, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है। यस, आप बोल सकते हो कि जो डिस्क है बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी है, यानी अगर हम ऐसे कैसे रिंग को मिलाते जाएंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एक डिस्क मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं किसी एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दूँ तो उसको इंटीग्रेट करके मैं पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बस हमें यही चीज़ यहाँ पर करना है। ठीक है, सो आपको इमेजिन करना है कि मान लो अगर मैं ऊपर से इसको देखूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये डिस्क दिखाई दे रहा है, और ये जो डिस्क है बेसिकली इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या मान लेते हैं, रिंग, एक छोटा सा रिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली रिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लूँगा। अगर मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए तो फिर मैं पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैं मान लेता हूँ, जैसे कि हमने माना है कि इस पूरे जो डिस्क है इसका रेडियस तो कैपिटल आर है, और ये जो हमने रिंग लिया है मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और इसकी जो विड्थ है, ये जो इसकी विड्थ है लेट इट बी डी आर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमारा काम है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, वेरी स्मॉल रिंग कैलकुलेट करें। उससे पहले हमें बताना होगा, सिंस हमने यूनिफॉर्म डिस्क लिया है तो हमें बताना होगा कि कंसिडरेशन पॉइंट्स क्या लेने हैं। तो सबसे पहले देखो कंसिडरेशन पॉइंट में आपको क्या लिखना है, You will write, consider a uniform disk of mass capital M and radius capital R. ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है और उसका रेडियस क्या है, R है, और आपको ये भी याद रखना है कि इसका एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो आप ये भी लाइन चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमें बताना है, लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, यानी मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू को हम यहाँ पर सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सो देयरफॉर सिग्मा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया, सिंस हमने बोला है कि जो डिस्क है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्क होने का मतलब है कि पर मीटर स्क्वायर जो इसका मास होगा वो इक्वल होगा। मान लो कि इतने एरिया पे इसका मास 1 kg है तो अगले एरिया पे भी मास क्या होगा, 1 kg, उतने अगले एरिया पे वापस से मास क्या होगा, 1 kg। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो उसको मास पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एम का मतलब हो गया मास ऑफ द डिस्क, और पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया ऑफ द डिस्क। ठीक है, ओके, देन उसके बाद जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल रिंग कैलकुलेट करना होगा। सो देयरफॉर आई विल राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल रिंग। तो पहले एक छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल रिंग को कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट डी आई इज इक्वल टू, देखो डी आई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि रिंग बहुत छोटा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा होगा। अच्छा, इनर्शिया का फॉर्मूला तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिंग जो है वो बहुत छोटा है तो इसका मास मैं क्या मान लूँगा, डी एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी एम। अच्छा, इसका रेडियस क्या है, आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या लिख दिया, आर स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। लेकिन आप ध्यान से देखो, मुझे डीएम तो नहीं पता है कि डीएम की वैल्यू क्या होगी, यानी इस रिंग का मास कितना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेयर मैं यूज़ कर लेता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू, जैसे मैंने ये फॉर्मूला डिस्क के लिए यूज़ किया था उसी तरीके से मैं ये फॉर्मूला रिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एम अपॉन एरिया। अब बात आती है कि एरिया ऑफ रिंग क्या होगा। अब ध्यान से सुनना इस पार्ट को, ठीक है। मैं अगर मान लूँ कि जो डिस्क है, रिंग है हमारा, इसको अगर मैं 20 से कट करके कुछ ऐसा रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कट करके सीधा करूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसकी विड्थ हो गई, और ये वाला जो पार्ट है ये नथिंग बट क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। यानी अगर ये पार्ट लेंथ है तो ये पार्ट क्या है, ब्रेथ है, और लेंथ इनटू ब्रेथ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। तो एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, टू, एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया भी बहुत स्मॉल होगा, दैट इज 2πr इंटू dr। तो बस एरिया ऑफ रिंग क्या लिख सकता हूँ, मैं एरिया ऑफ लिख सकता हूँ 2πr इंटू dr, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से dm की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, तो dm की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब हम इस dm की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr इंटू r का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो इस तरीके से देखो, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग कैलकुलेट कर लिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर r है, यहाँ पर r स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसे लिख सकता हूँ di इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr क्यूब इंटू dr, ठीक है, ओके। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, जीरो से लेकर आर तक। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो भाई, एक सबसे छोटी रिंग होगी ना जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो, और ये बढ़ते बढ़ते रिंग यहाँ तक पहुँचेगी जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमें लिमिट अप्लाई करनी है वो कहाँ से कहाँ तक करनी है, जीरो से लेकर आर तक। किसका इंटीग्रेशन करना है, डी आई का, छोटे छोटे रिंग का। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर आर तक, और डी आई की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 2πr का क्यूब इंटू डी आर, ठीक है। अब आपको ये स्टेप तो पता है कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, जीरो से लेकर r तक, और अंदर क्या है, r क्यूब इंटू डी आर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, आपको पता होगा इसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज नथिंग बट x रेज टू 4/4। तो ये सिमिलर फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr, और इसमें हम जैसे ही इंटीग्रेशन का स्टेप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r रेज टू 4/4, और ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर कैपिटल r तक, ठीक है। यानी हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अप्लाई कर दी। इसके बाद अब क्या होगा, चलो इसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr, और यहाँ पर क्या होगा, r रेज टू 4/4 माइनस 0 रेज टू 4/4। तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू, अच्छा आपको याद होगा सिग्मा की वैल्यू हमने डिस्क की ऑलरेडी निकाली हुई थी पहले, कितनी थी, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पर रख दो आप, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, 2πr इंटू r रेज टू 4/4। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पर r स्क्वायर बचेगा, 2 से 4 को कैंसिल करूँगा तो 2 बचेगा। ये देखो एकदम आसानी से आ गया, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर बाई 2, विच इज़ नथिंग बट i इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। रिमेंबर दैट द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क कैलकुलेट करना है।
ठीक है, एक बार आप देख लो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर किया क्या है, सबसे पहले डिस्क लिया है, उसमें कंसिडरेशन पॉइंट्स बता दिए हैं, और हमें मान लिया है कि सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। तो डिस्क का मास पर यूनिट एरिया कितना है, दैट इज़ एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमने बोला अगर हम पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमें छोटे छोटे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, उसके बाद मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ रिंग निकाल लिया। देन यहाँ से हमें डीएम की वैल्यू मिल गई, और डीएम की वैल्यू को हमने इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमें डीआई की वैल्यू मिल गई, यानी डीआई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग। इसके बाद हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क निकालना है। उसके लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद आपको ये स्टेप ध्यान देना है, ये स्टेप ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा, यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, जो कि आंसर मिल जाएगा आपको आर रेस टू 4/4। यहाँ पर आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करना है, लोअर लिमिट तो जीरो है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दो, एंड फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन आई इज इक्वल टू 1/2 mr². सो अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, इसे प्रूफ कैसे करेंगे, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को क्यों यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने आपको तीन डेरिवेशंस कराए हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। और वहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी रिजिड बॉडी से में जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो उसके सेंटर से पास हो रहा था, और वो बॉडी सेंटर एक्सिस के अबाउट क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। लेकिन अगर मान लो कि किसी बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से ना पास होकर किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा हो, तब फिर ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ हमें तब करना होता है जब किसी भी बॉडी जो रोटेट हो रही है उसका एक्सिस उसके सेंटर से ना पास होकर किसी दूसरे पॉइंट से पास होगा, तो वहाँ पर हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन जो है बेसिकली यही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इक्वेशन है, जहाँ पर हमें आई नॉट का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, यानी ये वो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं जो एक्सिस सेंटर को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम देखेंगे और फिर इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यानी प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक रिजिड बॉडी आपको लेना है, तो ये मान लेता हूँ मैं कि कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट ओ, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, ओ, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो रिजिड बॉडी है जिसका टोटल मास क्या होगा, कैपिटल एम, इस बॉडी में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर पे नहीं है बल्कि सेंटर को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट पर है, तभी हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हमें करना क्या होगा कि एक ऐसा एक्सिस को इमेजिन करना होगा जो कहाँ से पास हो रहा हो, इसके सेंटर से पास हो रहा हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कोई एक्सिस है और ये जो एक्सिस है बेसिकली ये इसका सेंटर से पास हो रहा है और इसे हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। देन ये दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस h मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस इज डिनोटेड बाय h। इसके बाद ध्यान से देखो, हमें पता है इस पूरे बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है, लेकिन एक अगर मैं छोटा सा मास कंसिडर करूँ तो इसके छोटे के मास को मैं क्या कर सकता हूँ, dm। तो dm बेसिकली क्या है, dm इज़ द मास एलिमेंट। अब अगर आप देखोगे तो इस एक्सिस से इस मास dm तक का डिस्टेंस ये है, इसे मैं r मान लेता हूँ, और ये वाला जो एक्सिस है जो सी पॉइंट से पास हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, आर नॉट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव करना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव करने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इनको नेमिंग दे देता हूँ, जैसे ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसे नाम दे देते हैं पी पॉइंट, ठीक है। तो इस पी पॉइंट से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा,
जो किसको मीट करेगा, ओसी को, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं हम इसे, तो हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और ये किसको मीट कर रहा है, ओसी को, जिसको हम कहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, डी तक। और ये सीडी का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो एक्स हो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस सी टू डी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O and perpendicular to the plane of paper, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें कंसिडरेशन पॉइंट बताना है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M, और वो क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट, आपको याद रखना है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, ओ पॉइंट से पास हो रहा है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का सिंपल से मतलब, जैसे कि आप एक नोटबुक ले लो और उसमें आप इमेजिन करो कि पेंसिल उसके बीच से पास हो रही है ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, डायग्राम को देखते हुए यहाँ पर हमें कुछ और पॉइंट्स बताने होंगे, जैसे लेट आई ओ एंड आई सी, आई ओ एंड आई सी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ एंड सी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ओ पॉइंट से जो पास होने वाला एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई ओ, और सी पॉइंट से पास होने वाला जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी। अब हम डायग्राम को देखते हुए इसके कुछ नेमिंग दे देते हैं, एंड ऑल्सो लेट। यहाँ पर देखो जो ओ पी है, ओ पी की डिस्टेंस कितनी है, आर, ओ पी कितना है आर, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सी पी की वैल्यू क्या है, सी पी की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या माना था, आर नॉट, ठीक है। उसके बाद जो ओ सी है आपका वो क्या है, एच है, ओ सी क्या है, एच है। और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पर बताना है, देयरफॉर पहले हम क्या करते हैं, दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ पॉइंट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ पॉइंट। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के अक्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब अगर मैंने इसे इस पॉइंट मास एलिमेंट को कंसिडर किया है, तो इस पॉइंट के लिए जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट ओ पी स्क्वायर डी एम। देखो जो ओ पी स्क्वायर डी एम इज नथिंग बट, अगर मैं डी एम को इंटीग्रेट कर दूंगा तो एम मिल जाएगा। ओ पी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्मॉल आर के बराबर है, तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ कितना हमें मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा सी पॉइंट से इस पॉइंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज़ आर नॉट, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, सी पी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज़ सी पी स्क्वायर डी एम विच कैन बी रिटन एज आर नॉट स्क्वायर डी एम। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे क्या मिला, आई ओ इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम एंड आई सी इज़ इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर डी एम। ये जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है वो इसके रेस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एम हमें क्या देगा, कैपिटल एम, और इंटीग्रेशन ऑफ ओ पी स्क्वायर हमें क्या देगा, आर स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, देयरफॉर टेक अ स्मॉल एलिमेंट
ऑफ मास डीएम, हमें क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है मास डीएम विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू मीट ओ सी एक्सटेंडेड टू डी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है वो हमने ओ पी से डी पॉइंट तक लिया है और इसको हमने एक्सटेंड किया है ओ सी को कहाँ तक, डी पॉइंट तक, ठीक है। अब इसके बाद आप देख पा रहे हो कि ओ पी डी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी डी, इस ट्रायंगल ओ पी डी में मुझे क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार इस डायग्राम को देखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना देता हूँ और इसी डायग्राम से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत बेसिक था, एक ये एक्सिस था, एक ये एक्सिस था, राइट, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस h, ये पॉइंट O था, ये C, और यहाँ पर क्या था, पॉइंट P, राइट, और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, हमने नाम इसको दिया D, ये डिस्टेंस क्या है R नॉट, ये डिस्टेंस क्या है R, और ये डिस्टेंस क्या है x, ठीक है। तो चलो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कैन राइट ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। नाउ सो देयरफॉर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ डी किसके बराबर है, देखो ओ डी किसके बराबर, ओ सी प्लस सी डी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ सी प्लस सी डी द होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि ओ सी प्लस सी डी का एक्चुअल मतलब क्या है, इट इज़ ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी डी प्लस सी डी स्क्वायर। यानी मैंने किया क्या है, मैंने ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और प्लस यहाँ पर क्या आ गया, पी डी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर को, सी डी प्लस पी डी को क्या मैं सी पी के इक्वल मान सकता हूँ, क्योंकि देखो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो देयरफॉर मैं इसे लिख लेता हूँ, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी डी प्लस, और ये सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देते हैं, सी पी स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट में हम इनकी वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। तो देखो ओ पी स्क्वायर हमें पता है, देयरफॉर ओ पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर का स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस, उसके बाद टू ओ सी को अगेन क्या लिख सकते हैं, एच, सी डी क्या है एक्स, और सी पी स्क्वायर क्या है, आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू को पुट अप कर दी। अब लास्ट में अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है कि देयरफॉर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई डी एम एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डी एम से मल्टीप्लाई कर देना है और साथ ही साथ में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एच एक्स डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंटीग्रेट भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया इस इक्वेशन को। अब आपको पता है कि जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो वैसे ही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, लेकिन यहाँ पर देखो दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस एच है वो तो फिक्स रहेगा, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो हो जाएगा एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस, यहाँ से टू एच बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, एक्स डी एम प्लस, ये क्या हो जाएगा, आर नॉट स्क्वायर डी एम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन मानना है, वेयर हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करने का मतलब है मिल जाएगा कैपिटल एम, है ना, क्योंकि छोटे छोटे मास को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एम मिल जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो
एज सी इज द सेंटर ऑफ मास. तो सिंस सी जो है वो सेंटर ऑफ मास है, इसीलिए एक्स डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, एक्चुअल में तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसे एक्सटेंड किया था. ठीक है, तो अब हम फाइनल स्टेप को अप्लाई करते हैं. तो देखो, याद करो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम की वैल्यू हमने शुरू में क्या लिखी थी. इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम हमने किसके बराबर लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर की जगह पर आई नॉट. ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो आप इस इक्वेशन देखो क्या एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर. अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की वैल्यू मैंने क्या मान ली है, कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस. अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम की वैल्यू क्या होगी, तो वापस से देखो यहाँ पर हमने निकाला है इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम विच इज इक्वल टू आई सी. तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आई सी. देयरफॉर अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो आई कैन राइट आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. ये हमें क्या मिल गया, थियरम ऑफ पैलर एक्सिस का इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. इसे हम क्या कहते हैं, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. अच्छा, इसका स्टेटमेंट आपको देना होता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, स्टेट थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड प्रूव इट या डिराइव द नेसेसरी इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें थियरम ऑफ पैलर एक्सिस का पहले स्टेटमेंट देना है. अच्छा, स्टेटमेंट देखना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका स्टेटमेंट देना है आपको. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ पैलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस. तो एनी एक्सिस का मतलब क्या हो गया, आई नॉट. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द तो इक्वल टू द क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल लगाया है, इक्वल टू द सम ऑफ, क्या लिखना है सम ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पर दो चीज़ों का क्या है एडिशन है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस, अबाउट इट्स पैरलर एक्सिस, जो कि क्या है पासिंग थ्रू द सेंटर, अबाउट इट्स पैरलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि देखो ये मास और एच, एम और एच क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. तो एक बार वापस से मैं इस डेरिवेशन को समझा देता हूँ कि आपको करना कैसे है. ठीक है, क्योंकि जब भी लेंथी डेरिवेशन होते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो एक बार वापस से समझ लेते हैं. तो थियरम ऑफ पैलर एक्सिस हमें प्रूव करना था, और थियरम ऑफ पैलर एक्सिस हम कब यूज़ करते हैं उसका मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बॉडी का एक्सिस उसके सेंटर से पास ना होके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से पास होगा तो वहाँ पर हमें थियरम ऑफ पैलर एक्सिस का यूज़ करना होगा. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करने पड़ेगा ऐसा एक्सिस जो उसके कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर से. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, कंसिडरेशन पॉइंट्स बताना है, जो कि बहुत सिंपल आप बता दोगे. इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों एक्सिस जो गिवन है इन दोनों एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक को हम बोल देंगे आई नॉट और दूसरे को हम क्या बोलेंगे आई सी. तो ये हो गया आई नॉट एंड आई सी विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ एंड अबाउट पॉइंट सी.
उसके बाद हमें क्या करना है कि मास एलिमेंट लेना है जो पी पॉइंट पर सिचुएटेड है, और इस मास एलिमेंट का यहाँ से ओ पॉइंट से डिस्टेंस कुछ ये हो जाएगा और सी पॉइंट से डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। और दो पैलर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, एच है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन सब साइड्स को मेंशन कर दिया कि ओ पी आर के बराबर है, सी पी आर नॉट के इक्वल है और ओ सी एच के इक्वल है। इसके बाद हमने क्या किया कि दोनों एक्सिस का यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड मोमेंट ऑफ, इसके बाद हमने क्या किया दोनों एक्सिस का विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ ओ पी स्क्वायर डी एम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी एम, और आई सी का आंसर हमें क्या मिला सी पी स्क्वायर डी एम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं आर नॉट स्क्वायर डी एम। ये आप वापस से यहाँ पर देख सकते हो। देखो इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी एम, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी एम, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए जो इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा दैट इज़ आर नॉट स्क्वायर डी एम। तो ये दोनों हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, स्मॉल एलिमेंट लेना है जो सिचुएटेड है पॉइंट पी पर, और हमें वहाँ से क्या करना है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कहाँ तक ओ सी तक, जिसे हमने एक्सटेंड कहाँ तक किया हुआ है डी तक। देखो हमने पी पॉइंट से क्या किया एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया जिसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं टिल डी पॉइंट तक, ठीक है। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते ही हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल गया ओ पी डी, जिसपे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने यही किया कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी डी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर डी एम, यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो ओ डी स्क्वायर है इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ओ सी प्लस सी डी, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद एक स्टेप आपको यहाँ पर देखना है कि सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सी पी का स्क्वायर। इस तरीके से मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, फाइनल इक्वेशन मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स आर नॉट स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या किया इस पूरे इक्वेशन को डी एम मास से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही साथ में दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया डीएम से और इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद हमें पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती है, तो इसे आपको क्या करना है बाहर निकाल लेना है। कुछ कंसीडर पहले से हमने यहाँ पर ले रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हमें क्या देगा कैपिटल एम, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो बिकॉज सी इज द सेंटर ऑफ मास। बस इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है इस इक्वेशन में पुटअप करना है। तो आर स्क्वायर डीएम की वैल्यू को हमने क्या लिख लिया आई नॉट, क्योंकि ये हमने शुरू में दिखा दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम क्या होता है आई नॉट। उसके बाद एच स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू हमने क्या रख दी कैपिटल एम। उसके बाद देखो यहाँ पर टू एच एक्स डीएम की वैल्यू तो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी बिकॉज एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और आर नॉट स्क्वायर डीएम की वैल्यू हमने क्या रख दिया है आई सी। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया और हमें जो इक्वेशन मिला है वो क्या मिल गया आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने आपको थियरम ऑफ पैलर एक्सिस भी बता दिया कि इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आसानी से आप इस स्टेटमेंट को बता पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस थियरम ऑफ पैलर एक्सिस को सॉल्व करना है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था विच इज़ रिलेटेड टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर किसी बॉडी का एक्सिस उसके सेंटर से ना पास होके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से पास होता हो तो उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को समझना है। तो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो एक्ट होता है वो किसी भी प्लेन लैमिनर बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। ये प्लेन लैमिनर बॉडी क्या होती है, तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत पतली सी प्लेन शीट आप ले लोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे प्लेन लैमिनर बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो प्लेन लैमिनर बॉडी के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसी को परपेंडिकुलर एक्सिस का थियरम कहते हैं और यही हमें इस डेरिवेशन में समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, हमने जैसे बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज एक्स एंड वाई।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक प्लेन लैमिनर बॉडी लेना है। तो ये मान लो कोई प्लेन लैमिनर बॉडी है जो बेसिकली एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, मतलब जेड एक्सिस ले लेते हैं इसको, चलो जेड एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्स एक्सिस और एक हो सकता है वाई एक्सिस। तो ये मैं मान लेता हूँ कि वाई एक्सिस है और ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर पॉइंट ओ। तो देखो ये जो बॉडी है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर हमें एक्सिस क्या कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का वो इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमें कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडरेशन पॉइंट्स ले लेते हैं। सो वी विल राइट कंसिडर अ प्लेन लैमिनर बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है। ये बॉडी है, इसका टोटल मास क्या है, कैपिटल एम, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम बोलेंगे लेट आई जेड कॉमा आई एक्स एंड आई वाई, ठीक है, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड कॉमा एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये आप तो देख पा रहे हो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि आई जेड आई एक्स एंड आई वाई जो है वो क्या है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डीएम सिचुएटेड एट पॉइंट पी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ, देखो इस बॉडी का टोटल मास तो कैपिटल एम है, लेकिन इसके एक छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा, इसके छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा, डीएम। तो मान लेता हूँ कि डीएम एक छोटा सा मास एलिमेंट है जो पी पॉइंट पर क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन ओपी, और जब मैं ओपी को ज्वाइन करूँगा तो इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ आर। तो देखो डायग्राम में सबसे पहले मैं ओपी को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो इस तरीके से मैंने ओपी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको एक काम और करना है, एंड ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी इन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एंड वाई एक्सिस में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ओके। हमने ड्रॉ कर लिया, अब ध्यान से सुनो। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर पी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, और हम इसको नेम दे देते हैं, ये बेसिकली इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट इट बी, ये एन है, और इसे नाम क्या दे देते हैं, एम, ठीक है, ओके। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई। अब सिंस आपको ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली लाइन हमने क्या माननी है, एक्स एक्सिस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसके पैरेलल ये दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, और हम यहाँ पर सिंस हमने यहाँ पर बता दिया है कि जैसे हम ओपी को ज्वाइन करेंगे तो उसका डिस्टेंस हमने आर मान लिया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हम इन डिस्टेंस को बता देते हैं कि क्या होगा। सो हम यहाँ पर बोलेंगे वेयर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद, देखो ON इज इक्वल टू PM दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेयर ON इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू Y। आप देख पा रहे हो ON इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू Y, एंड उसके बाद देखो PN एंड OM, एंड यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, PN इज इक्वल टू
ओ एन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंसेस बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो चलो हम सबसे पहले सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देयर फॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। मान लो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस को कैलकुलेट करता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आई एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ये वाली लाइन है, यानी कि पी एम। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ पी एम स्क्वायर डी एम विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा ये वाले लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वाई है। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ वाई स्क्वायर डी एम, यहाँ तक समझा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। तो देखो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे मैं क्या लिख देता हूँ, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो y एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए देखो y एक्सिस क्या है, ये हमारा y एक्सिस है और ये इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी पी एन क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा पी एन स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको पी एन स्क्वायर डी एम विच इज़ इक्वल टू देखो पी एन की वैल्यू, देखो पी एन का डिस्टेंस कितना दिया, पी एन का डिस्टेंस दिया x। तो इसे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एम, ठीक है। एंड लास्टली एंड ऑल्सो वी कैन राइट, एंड ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो देखो कितना हो जाएगा, तो मैं इसे लिख लेता हूँ आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड एक्सिस के लिए। तो मुझे पता है जेड एक्सिस के लिए क्या ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है आर है। तो ये ओ पी स्क्वायर डी एम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ ओ पी स्क्वायर डी एम विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, तो आपको देखो यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक है ओ पी एन और दूसरा है ओ पी एम। तो इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में से किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो सो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी एम दिख रहा है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी एम। तो मैं ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ, ओ पी एम ले रहा हूँ, आप चाहिए तो ओ पी एन भी ले सकते हो। इन दोनों में से किसी में भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपको सेम इक्वेशन आएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये आएगा क्या, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। देखो अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ओ पी एम लिया, तो देखो अगर मैंने ओ पी एम ट्रायंगल लिया तो आप देख पा रहे हो ओ पी एम ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है, कि जो आर स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वही तो लिखा है कि इन ट्रायंगल ओ पी एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल ओ पी एन यूज़ करोगे तो भी आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में किया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग, मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन बोथ साइड बाई डी एम। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू डी एम। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एम। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट स्टेप है, आपको ध्यान से देखना इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखो
इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम की वैल्यू हमने निकाली हुई है। इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम क्या होता है? आई जेड। तो क्या मैं यहाँ पर आई जेड लिख सकता हूँ? यस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई जेड इज इक्वल टू, फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम आपको क्या समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू आई वाई, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? आई वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू आई एक्स, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? यहाँ पर आई एक्स। देयरफॉर अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो आई कैन राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये हमें क्या मिल गया? थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूफ हो गया, ठीक है। और थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो चलो इस स्टेटमेंट को भी मैं आपको लिखा के दे देता हूँ। सो देयरफॉर इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप पूरा लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को प्रूव कर लिया। आप एक बार वापस से देख सकते हो हमने यहाँ पर किया क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लेन लैमिनर बॉडी लेना है। तो ये आपकी बेसिकली क्या है? प्लेन लैमिनर बॉडी है, ठीक है। आपने एक प्लेन लैमिनर बॉडी ले लिया, उसका टोटल मास क्या है? कैपिटल एम। और हमने देखा कि जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, इसमें आपने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दिखा दिए वाई एंड एक्स। उसके बाद आपको सबसे पहले पी पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, और सारे P पॉइंट पर एलिमेंट लेने के बाद OP को ज्वाइन करना है जिसका डिस्टेंस R है, और फिर P पॉइंट से आपको X और Y एक्सिस में क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, जिससे आपको ON इज इक्वल टू PM की वैल्यू Y मिल जाएगी एंड PN इज इक्वल टू ON की वैल्यू X मिल जाएगी। देन हमने क्या किया, तीनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम ट्रायंगल OPM या ट्रायंगल OPN में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और वहां से हमें इक्वेशन मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमने किया क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड बाई डीएम। तो जैसे हम इंटीग्रेट एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम। और फाइनली हमें इनकी वैल्यूज ऑलरेडी पता है, और जैसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मिल जाएगा, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो एट लास्ट अब हम कवर करेंगे टॉपिक विच इज रिलेटेड टू रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी यहाँ पर हमें यह बताना है कि जब कोई बॉडी रोल करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बट ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, इसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो अब अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारे पास कोई बॉडी है जो बेसिकली क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो ये रोल करते हुए नीचे आ रही है, तो जब आप देखोगे जब ये रोल करते हुए नीचे आ रही है तो ये घूम रही है, राइट, अपने एक्सिस पे ये घूमेगी। तो अगर ये घूम रही है तो इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही में ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है, इसका मतलब इसके पास एक और एनर्जी है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी रोल करती है ना तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। सो देयरफॉर यहाँ पर हमने लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स इट पॉजेस
two types of kinetic energy. One is the rotational kinetic energy and the other is the translational kinetic energy. और मुझे पता है कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है. ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये रोटेट हो रही है, राइट. तो जब रोटेट करेगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट. और हम देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. इसे हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जब भी कोई बॉडी रोल करेगी तो उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, और इन्हीं दो टाइप की एनर्जी को जब हम कंबाइन कर देंगे सो दैट विल बी द एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. तो चलो हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं. सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन को हम यहाँ पर ई से डिनोट कर रहे हैं, राइट. एंड इट इज़ इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है. तो आपको याद रखना है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. सो देयरफॉर वी विल राइट ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हमें पता है इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट. और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंस हमें पता है, ध्यान से देखो, सिंस वी नो दैट जो आई है, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. देखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर भी होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर भी होता है. यहाँ पर हम के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब ये बॉडी यानी ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये रोल करेगा तो इसका अगर मास किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, मतलब कि अगर ऐसा मान लो मैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड के, के का मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन, और यू कैन से गायरेशन. तो आई इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, एम के स्क्वायर. एंड वी नो दैट कि वी क्या होता है, वी इज़ नथिंग बट आर ओमेगा, वी को हम क्या कहते हैं, आर ओमेगा. तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ वी अपॉन आर. तो बस इसी को मुझे यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है. सो देयरफॉर फाइनली देखो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हाफ आई की जगह पर क्या रखेंगे, एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही हैं, तो ये जो कॉमन है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं. सो देयरफॉर आई कैन राइट ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और जो ब्रैकेट में बचेगा दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हमें क्या मिल गया, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन, ठीक है. तो आपको अब याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी रोल करेगी तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब हम यहाँ पर इनका मतलब लिख लेते हैं, वेयर देखो आप देख पा रहे हो कि m को क्या कहते हैं, m को हम कहते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसके मास को हम यहाँ पर कैपिटल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसके बाद जो आपको दिख रहा है v, v का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो v का मतलब मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो k है ना, तो k को हम क्या बोलते हैं, k इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे आप गायरेशन और इसको जायरेशन भी कहते हैं, ठीक है. और r का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो या रेडियस ऑफ बॉडी कह सकते हो, ठीक है. उसके बाद i को आपको पता है i का मतलब यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. इस तरीके से हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं, ओके. और ओमेगा तो आपको पता ही है, ओमेगा को हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है. तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, हमें फाइंड क्या करना था,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन, इसके लिए हमने एक कंडीशन ले ली कि जब कोई बॉडी रोल करेगी तो इसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल। तो देयरफॉर हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दी और उसके बाद कुछ कंडीशन हमने मान लिया कि जो आई है इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर एंड वी क्या होता है आर ओमेगा। जब हमने इसको यहाँ पर पुट अप किया तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है इस टॉपिक में कि जब भी कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ रोल करेगी तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी इन दोनों का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले से हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करेगा, राइट, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन, ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा तो डेफिनेट सी बात है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड इट्स रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये इस पॉइंट पर है, राइट, जब ये इस पॉइंट पर है तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, एच, यानी कि इसके पास पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और सिंस अभी ये रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन जैसे ही ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो धीरे धीरे हाइट कम होने लगेगी, तो अगर हाइट कम होने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होने लगेगा, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम वेलोसिटी वी का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। देयरफॉर वी से दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल जो डिक्रीज होगी वो बेसिकली कितनी होगी, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, राइट, और जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है बेसिकली क्या है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है। अब यहाँ से देखो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसल, तो अगर एम से एम कैंसल हो गया और मैं क्या करता हूँ इस टू को इधर की तरफ लेके आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। याद ये रखना है कि हमें यहाँ पर v चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे v निकालना है तो फिर मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो, सो देयरफॉर मैं इसे लिखता हूँ टू जी एच अपॉन ये वाले टर्म को नीचे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब तो बचा यहाँ पर क्या, इट इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर। सो देयरफॉर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो मैंने इस सिस्टम में कुछ किया नहीं है, जस्ट इसको इंटरचेंज कर दिया है। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाने का मतलब है कि यहाँ पर पूरे टर्म में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ, और ये हो जाएगा 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया, जिसका आंसर हमें मिलता है v इज इक्वल रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब डेफिनेट सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट रोल करके नीचे आएगा तो उसकी स्पीड लगातार चेंज होगी, अगर उसकी स्पीड लगातार चेंज होगी यानी वेलोसिटी अगर लगातार चेंज हो रही है तो दैट मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उसी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। तो हमने लीनियर स्पीड तो कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर देखो कि जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और जब ये मूव करके नीचे आ रहा था तो इसकी स्पीड क्या है, मान लो वी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ कि काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई कर लेता हूँ, और काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई करते हुए आगे क्या एक्सेलरेशन डिराइव करते हैं। सो देखो, फॉर एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, फॉर एक्सेलरेशन हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉर एक्सेलरेशन हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है, देयर आर थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस विच इज़ वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये दोनों काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में टाइम गिवन है और टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन पर जाएंगे, और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। सो देयरफॉर देखो, सिंस मुझे पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसका इक्वेशन फिर क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट वी स्क्वायर अपॉन टू एस। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता है कि वी की वैल्यू तो अपने पास है लेकिन एस की वैल्यू नहीं है, तो अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो आप एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर देखो तो बेसिकली एक ट्राइंगल ही तो बना रहा है, राइट। तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो अगर मैं इसे देखूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, एच, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एस। तो अगर इसमें साइन थीटा फंक्शन में अप्लाई करूँ तो फिर मैं एस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं साइन थीटा अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू हाइप। देखो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है एच और हाइपोटेन्यूस क्या है एस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एच अपॉन एस, तो यहाँ से मुझे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अब देखो वी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है तो हम लिख लेते हैं इट इज इक्वल टू टू जी एच अपॉन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है न्यूमरेटर की लाइन, तो न्यूमरेटर की लाइन लिख लेते हैं और ये जाएगा टू इंटू एस की भी वैल्यू हमने डिराइव कर ली है, एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है, और रूल के हिसाब से फोर्थ फर्स्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और थर्ड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर फाइनली आई कैन राइट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू जी एच इंटू साइन थीटा, और अपॉन में क्या होगा, देखो अपॉन में मैं लिख सकता हूँ वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये 2h यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसका, एक्सेलरेशन का, राइट। तो इस इक्वेशन में जो आपको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको याद रखना है कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी। हो सकता है कि वो जो रोलिंग ऑब्जेक्ट हो वो रिंग हो सकता है, वो डिस्क हो सकता है, वो हॉलो सिलेंडर हो सकता है या स्फीयर हो सकता है, तो हर एक के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर नीचे की तरफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हर एक बॉडी की गिवन है, तो आपको वो याद भी करना है। वो इसलिए याद करना है क्योंकि जो न्यूमेरिकल अगर इससे रिलेटेड कोई आएगा तो वहाँ पर आपको वो बोलेंगे कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो और बताओ कि ये जो बॉडी है वो किस टाइप की बॉडी है जो रोल कर रही है। तो अब अगर आपको पता होगा कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू किस बॉडी के लिए क्या होती है तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो इस तरीके से हमने रोलिंग मोशन के टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो लीनियर स्पीड एंड लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसका यहाँ पर वैल्यूज रखते हुए हमें यहाँ पर वी का फॉर्मूला डिराइव कर लेना है, और जो हमें वी का फॉर्मूला मिलता है दैट इज रूट ऑफ टू जी एच इन द ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना है। सिंस यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो हमें बहुत सिंपली एक इक्वेशन मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई, वी स्क्वायर बाई टू एस। हमें यहाँ पर एस यानी डिस्टेंस नहीं पता था तो हमने साइन थीटा अप्लाई कर लिया, और साइन थीटा से हमें इक्वेशन क्या मिल गया, एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, और इनकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देना है। सब्सिट्यूट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि देखो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रूल के हिसाब से फोर्थ फर्स्ट के साथ, थर्ड सेकंड के साथ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और जो कैंसिल हो रहा था उसे हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, एंड फाइनली वी गेट द इक्वेशन दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी।